डिस्क ऑफ रोटेटिंग अबाउट देर एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क दो डिस्क है यहाँ पे इस तरीके से एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है और प्लेन में प्लेन के परपेंडिकुलर है ये घूम रही है आपके पास इसमें इनिशियल एंगुलर विलोसिटी d1 का मास 2 kg है रेडियस है 0.2 और ये एंगुलर विलोसिटी इसकी 50 ओमेगा इसकी एंगुलर विलोसिटी ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी मास है फोर के जी रेडियस है जीरो पॉइंट वन और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है टू हंड्रेड

इसमें आई वन की वैल्यू निकाल लो एम की वैल्यू कितनी है टू एंटो में आर की वैल्यू जीरो पॉइंट टू का स्केयर डिवाइड बाय में टू तो टू तो से टू कैंसिल आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर आई टू की वैल्यू आ जाएगी मास की वैल्यू है फोर एंटो में जीरो पॉइंट वन का स्केयर डिवाइड बाय टू तो आएगा टू आपके पास यानी कि जीरो पॉइंट जीरो टू ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ आई टू तो यहाँ पे आई उमेगा तो मेरेगा की वैल्यू तो 50 होगी ये 0.04 इक्वल टू l फाइनल ओमेगा i ओमेगा i की वैल्यू है 0.02 ओमेगा की वैल्यू है सॉरी इनिशियली था ये तो प्लस में 200 में 0.02 l फाइनल ये आ जाएगा 2 इन दोनों का ओमेगा क्या हो जाएगा ऐड कर दो दोनों का ओमेगा i की वैल्यू तो ओमेगा तो निकालना है i की वैल्यू दोनों की क्या ऐड कर दो 0.06 क्योंकि दोनों तो ही डिस्क एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ गए तो आई जो कॉमन मोमेंट ऑफ इनिशिया होगा आई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी आई वन प्लस आई टू के बराबर जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू मेगा डैश तो यह आ जाएगा आपके पास टू आ गया प्लस में ये भी आ जाएगा फोर इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू मेगा डैश तो ये सिक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मेगा डैश टू मेगा डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सिक्स डिवाइड बाई मे जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो आएगा सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाई मे सिक्स यानी कि हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड तो बी ऑप्शन क्या होगा इस केस में इसका करेक्ट होगा